जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 के फिजिकल को लेकर काफी सारे बच्चे परेशान है भाई। बोल रहे हैं कि सर हमसे तो रनिंग ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा भागते हैं, सांस फूलने लगती है। टेंशन की बात नहीं दोस्त, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ही बार में पार मारोगे। जी दोस्तों, एक ही बार में पार मारोगे। रियल बता रहा हूं कैसे। जिनका रनिंग दोस्तों 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट, हालांकि 28 मिनट तक भी दोस्तों आ रहा है ना 5 किलोमीटर का, वो भी 22 मिनट में कैसे मारेंगे, आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं, क्या है मामला। देखिए बीएसएफ ट्रेडमैन में दोस्तों आप सभी के जो है फिजिकल के एडमिट कार्ड आ गए हैं। अब आपको डर लग रहा है कि भैया अब क्या होगा, हमने तो कभी रनिंग की ही नहीं है, हम क्या करें, हमारे तो पैरों में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा भागने के बाद 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर भागने के बाद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या करो। टेंशन नहीं लेना, आपका भाई है ना, मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल दिया, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दोस्तों फिजिकल को 2 मिनट पहले दोस्तों क्वालिफाई कर दिया, जिस बंदे पर 27-28 मिनट में रनिंग लगती थी ना 5 किलोमीटर की, और स्टार्टिंग में तो 100-200 मीटर भागने के बाद ही सांस फूल जाता था, उसने कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा। मैं भी आपके जैसा था, मैं कोई ज्यादा यहां पर आर्मी क्रेशर नहीं हूं, मैंने भी दोस्तों यहां पर आपकी तरह ये सब कुछ झेला है। चलिए अब बताता हूं मैं कैसे मैंने रनिंग को कंप्लीट किया। 27-28 मिनट से 22 मिनट में अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया, कैसे वो बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आप स्टार्टिंग में भागते हैं ना, यानी आपने इससे पहले रनिंग नहीं किया, तो आपका सांस डेफिनेटली फूलेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप जो है वो काम कर रहे हो जो आपने कभी नहीं किया। अब आप बोलेंगे भैया अब क्या करें, तो फिर अब कैसे रनिंग को क्वालिफाई, अब तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं बचा है। अरे मेरे दोस्त रुकिए, चांस बचा है। क्यों? देखिए अब आप दोस्तों पहले जो है जितना मीटर आपसे भागा जा रहा है, चाहे दोस्तों वो 100 मीटर है, चाहे वो 200 मीटर है, चाहे वो 300 मीटर है, भागिए आराम आराम से, भागिए, ज्यादा स्पीड से नहीं भागना स्टार्टिंग में। 100 मीटर भागने के बाद सांस फूल रहा है, रुक जाइए, टेंशन की बात नहीं है, काफी टाइम अभी, रुक जाइए। 200 मीटर भागिए अगले दिन, रुक जाइए। 300 मीटर भागिए, रुक जाइए। लेकिन डेली एक दिन भी मिस नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। आपके उसके बाद पैरों में दर्द होगा, टांगों में दर्द होगा, आपके दोस्तों यहाँ पर जो है ऐसा दर्द भी होगा कि आप बोलेंगे यार मुझसे रनिंग नहीं होगी, जिसे बोलते हैं सीन पेन। सीन पेन का आगे का मैटर है, वो मैं आपको आगे वीडियो बता दूंगा उसका रीजन क्या है और उसको कैसे दूर करते हैं, लेकिन फिलहाल समझते हैं कि कैसे हम 22 मिनट में कवर कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप रनिंग शुरू करें तो कभी भी दोस्तों रोड पर रनिंग शुरू ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको सब फालतू की बातें बताएंगे, मैंने कभी रोड पर रनिंग नहीं की, लेकिन फाइनल जो राउंड था मेरा वो रोड पर मैंने रनिंग की। कैसे? देखिए दोस्तों, आपको जो है ग्राउंड में रनिंग करनी है, दिखाई दे रहा है भाई, चलिए ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ दोस्तों आपको ग्राउंड में रनिंग करनी है, जो आपका 400 मीटर जितने मीटर ग्राउंड है उसमें आपको कंप्लीट रनिंग करनी है। ध्यान दीजिए, है रनिंग आपकी 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो भाई अगर 400 मीटर का एवरेज जो है एक राउंड होता है सभी ग्राउंड में, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब 400 मीटर का दोस्तों ये ग्राउंड राउंड है, इसके आपको कम से कम 12.5 चक्कर मारने पड़ेंगे तभी तो कंप्लीट होगी भाई 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी 12.5 चक्कर पर, लेकिन आपको 12.5 चक्कर नहीं मारने, आपको 13 चक्कर मारने। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, 13 चक्कर। आप बोलेंगे गुरुजी 100 मीटर लगनी थी, 200 मीटर लगनी थी, आप 13 चक्कर की बात कर लगे। मेरे दोस्त पहले अपना सांस बनाइए, जितने मीटर में लगे 27 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, तब भी तो लगेगी 5 किलोमीटर, लेकिन भागते रहिए, भागते रहिए, आपको रुकना नहीं है। जितने मिनट में, टाइम मत देखिए, घड़ी मत लगाइए, जितने मिनट में भागना है भागिए, लेकिन कवर कीजिए 5 किलोमीटर। मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ कीजिए, पहले एक हफ्ते भागिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 1 किलोमीटर, जब तक आप भाग जाए, जब आपको लगे कि हाँ मैं भाग सकता हूँ तो 5 किलोमीटर भाग जाइए, 30 मिनट या 40 मिनट में भाग लिया। उसके बाद बारी आती है दोस्तों अब यहाँ पर ग्राउंड में भागने की। ग्राउंड में आपने 12.5 चक्कर कंप्लीट कर लिए, टाइम मत देखिए जितना भी आ रहा, कोई बात नहीं, आप ये रखिए कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं 5 किलोमीटर मार सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने मान लीजिए 12 चक्कर या 13 चक्कर कंप्लीट कर लिए, तो अब बारी ये आती है कि भाई अब टाइम कैसे कम करें। मेरे दोस्त देखिए, अगर आपका टाइम 25 मिनट या 26 मिनट भी आ रहा है तो आपको कोई घर पार नहीं कर सकता, कोई भी दोस्तों बाहर नहीं कर सकता, किसमें? रनिंग में। क्यों? देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीजन है जो आपको कोई नहीं बताता है, वो ये है कि आपकी रनिंग दोस्तों यहां पर मान के चलिए आपका इस तरह का दोस्तों आपका ग्राउंड का ये है, इस तरह की आकृति आपकी ग्राउंड की, ठीक है, जिसका 400 मीटर है,
तो दोस्तों देखिए, जब भी आप ग्राउंड में इस तरह का नहीं मानते, हम इस तरह का मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह का, और ये कुछ इस तरह का, और यहाँ से कुछ इस तरीके का, और ये कुछ यहाँ से इस तरीके का, कुछ इस तरह के ग्राउंड का शेप होता है, सभी का ऐसी शेप होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे दोस्तों टाइम कम होगा, आप यहाँ से कम स्पीड में जाओगे, यहाँ से तो आप पूरी स्पीड में चले जाओगे, ये स्पीड तो आपकी कंप्लीट होगी, लेकिन जैसे ही आप इधर साइड मुड़ोगे तो आपका 2 सेकंड कम से कम जाएगा, 2 सेकंड। अब आप 2 सेकंड यहाँ से जा रहा है आपका, तो समझिए 2 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, तो कितना हो गया भैया, 2 चौक 8 सेकंड हो गया एक चक्कर में। एक चक्कर में आपने दोस्तों 8 सेकंड खो दिए अपने। इसका फायदा बताऊंगा, फायदा क्या है, 8 सेकंड आपने खो दिए, लेकिन ग्राउंड रोड पे ऐसा नहीं होगा, आपको सीधे सीधे भागते रहना है। जब आप एक चक्कर में 808 सेकंड खो रहे हैं अपने, गवा रहे हैं, तो भैया 12 चक्कर में 96 सेकंड, 96 सेकंड, लगभग दोस्तों 1.5 मिनट, लगभग 1.5 मिनट दोस्तों आपका यहां पर टाइम फालतू आ रहा है। अगर 1.5 मिनट भी फालतू आ रहा है ना, या 25.5 मिनट भी अगर आप यहां मार पा रहे हैं, तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आप वहां पर 23 मिनट में मारोगे। क्यों? जब वहां पर राउंड दिखता है ना, भीड़ दिखती है, तो हर बंदा उड़ता है, हर बंदा हवा में उड़ता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं दोस्तों अपने ऊपर जो मेरे साथ हुआ है ना, जो जो मैंने झेला है, वो बता रहा हूं। मेरा भी कभी टाइम दोस्तों 24 मिनट आया ही नहीं ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि भाई ये ग्राउंड जो था हमारा 400 मीटर का था, मैं इसमें 13 चक्कर मारता था, और मेरा जो टाइम आता था वो दोस्तों 24 मिनट, 24.5 मिनट तक आता था, समझ रहे हो। और वहां पे 22 मिनट में मैंने ऐसे उड़ा दिया दोस्तों दौड़ को कि पूछो मत, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरे दोस्त, आपका 1.5 मिनट तो दोस्तों ये समझिए कि आपके हाथ में है। अगर 1.5 मिनट ऊपर जा रहा है, जाने दो, 25 मिनट 26 मिनट भी आ रहा है, तब भी रनिंग आप कर जाओगे, ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ 101% लिख के देता हूं। लेकिन बात क्या है इसमें, आपको रुकना नहीं है, बस। जो रुक गया वो गया, जो रुक गया उसका काम खराब है, आपको रुकना ही नहीं है। चाहे कितनी भी दोस्तों आपके साथ कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, रुकना तो है ही नहीं, गारंटी से बोलता हूं दोस्तों। अगर ये दौड़ आप 22 मिनट में ना मारो ना, 23 मिनट में ना, यानी 24 मिनट से पहले पहले कवर ना करो ना, तो मेरे चैनल पर आ जाना, मुझे गाली दे देना कि भाई तूने बोला था ऐसा हुआ, ये होगा डेफिनेटली, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। और दोस्तों रनिंग नहीं लग पा रही है, टेंशन की बात नहीं है, भाड़ में जाने सब कुछ, हमें सिर्फ 5 किलोमीटर पर कवर करना है, टाइम जितना भी आए, 27 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट, अरे 30 मिनट में तो कवर करोगे, 34 मिनट में तो कवर करोगे, 35 में तो कवर करोगे, लेकिन कवर जरूर करना है, भागते रहना है यार, भागते रहना है, स्लो स्लो भागो, लेकिन भागते रहना है। आपको सबसे पहले अपना स्टेमिना यानी सांस को बनाना है पहले, जिस दिन सांस बन गया उस दिन बेड़ा पार, ठीक है भाई। तो ये दोस्तों मेरा काम था, मैंने कैसे रनिंग की, ऐसे मैंने आपको बताया है। अगर अगर दोस्तों आपका कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट उसमें नीचे छापे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे दोस्तों आपको 5 किलोमीटर कवर करनी है, किस तरीके से, और जो सीन पेन टांगों में जो दर्द होता है उसको कैसे दूर करना है, वो सब कुछ बताऊंगा। क्या मेडिसिन है, क्या खाएं, क्या आपका दोस्तों यहाँ पर रूटीन होना चाहिए, सुबह उठकर क्या लेना चाहिए, खाने पीने का क्या चीज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे का जो रूटीन है, जो भी आपका डाइट वगैरह सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठोक के दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।